आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि मैग्नेट्रॉन खराब है या सही है। तो मैं एक नया मैग्नेट्रॉन, एक पुराना मैग्नेट्रॉन दो लूंगा और आपको दोनों को टेस्ट करके बताऊंगा कैसे कैसे आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पुराने मैग्नेट्रॉन को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये ठीक होने के इसके जो केस होते हैं वो सिर्फ 20% होते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। कुछ ही मैग्नेट्रॉन होते हैं अगर वो हो सकता है कि ठीक हो जाएं, लेकिन नॉर्मली आपको नया मैग्नेट्रॉन ही डालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, अब दिखाता हूं मैं आपको कि हम चेक कैसे करते हैं पुराने मैग्नेट्रॉन को और नए और पुराने में क्या डिफरेंस है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ठीक कैसे करेंगे। तो जैसे ये मैग्नेट्रॉन है, ये नया मैग्नेट्रॉन है हमने लाए हैं, तो इसको हम साइड रखेंगे। ये इसका पुराना वाला मैग्नेट्रॉन है। तो आपने क्या करना है, आप सीरीज से भी चेक कर सकते हैं सीरीज बनाकर बल्लम में, लेकिन मैं आपको मल्टीमीटर से सिखाऊंगा। तो आपने कंटिन्यूटी पर ले आना है इसको, जैसे कि मैं इसको कंटिन्यूटी पर ले आया हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यूटी पर लाने के बाद आपने देखिए कि बीप की आवाज़ दे रहा है, ये बीप की आवाज़ दे रहा है। तो जब मैं इसको थोड़ा कैमरा में पास ले हूं, तो जैसे ही मैं यहां पर चेक करता हूं तो ये बीप की आवाज दे रहा है, मतलब ये हमारा मैग्नेट्रॉन शॉर्ट है। तो इसको मैं इससे चेक करूंगा तो भी ये बीप की आवाज दे रहा है, ये शॉर्ट है हमारा। यहां पर चेक करूंगा तो भी बीप की आवाज दे रहा है, ये हमारा शॉर्ट है, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेट्रॉन अंदर से शॉर्ट है। तो अब मैं आपको नया मैग्नेट्रॉन दिखाता हूं, उसके हम जो पिन हैं उनको चेक करेंगे आपस में। तो ये आपस में तो बीप का आवाज दे रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको बॉडी से टच करता हूं तो ये बीप का आवाज नहीं दे रहा है, देखिए। और अगर मैं इसको आगे टच करता हूं तब ये बीप का आवाज नहीं दे रहा है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे टच करूंगा तो ये बीप का आवाज दे रहा है। तो इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि ये जो हमारा पुराना मैग्नेट्रॉन है ये आपस में बॉडी के साथ शॉर्ट हो चुका है, जिसके कारण ये काम नहीं कर रहा है। और ये जो हमारा मैग्नेट्रॉन है ये नया है, आपस में शॉर्ट नहीं है, इसलिए ये बीप का आवाज नहीं दे रहा है और ये ठीक है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसको पीछे से हम ऐसे खोल लेते हैं, तो जो इसका यहां से और इसको यहां से काटकर ये वाला प्लग अगर हम चेंज कर दें तो इसका बीप का आवाज जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लग खराब है जिसके कारण ये बीप दे रहा है और ये काम नहीं कर रहा है। इसका शार्ट जो है यहां से, इसका जो अंदर से प्लग है वो खराब है। मैं आपको चेक करवा देता हूं, यहां से इसको काटूंगा, आप देख लेना, हम एक ही काटेंगे दो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो कटर की सहायता से हम यहां से हमने इसको काट दिया है। अब ये आपस में भी बीप नहीं देगा, ठीक है। और ये बॉडी के साथ हम इस वाले पिन पर लगाएंगे और ये बॉडी के साथ भी बीप नहीं दे रहा है, ये देखिए हमने इस तरफ लगाया है जो इसके अंदर जा रहा है वायर, ये हमने काट दिया था, ये देखिए। और ये यहां पर भी कोई ये शॉर्ट का वायर नहीं दे रहा, आपस में ये दे रहा है। तुम्हारा ये वाला जो प्लग है इसका खराब है। तो ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप किसी पुराने का भी डाल सकते हैं इसमें, अगर पुराना नहीं है तो आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो ये जानने के लिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू।